अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्ट टू स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम एफ एस सी पार्ट टू का चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की तमाम टाइप्स को स्टडी करेंगे विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसका आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, और हमने शॉर्टली टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। आज हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, मैं इसको अगेन मेंशन कर देती हूँ, कंपाउंड्स हैविंग इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है, मीन मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद जो होती है वो सेम होती है, बट इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है तो इट्स मतलब डिफरेंट है तो इट्स मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर चेंज का क्या मतलब है, कि इसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, चेंज होती है। अब हम इसकी फर्स्ट टाइप को देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ चेन आइसोमेरिज्म। हमारे पास फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, दिस वन इज कॉल्ड एज अ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म असल में क्या होती है, इसके नेम से ही मेंशन होता है कि चेन के अकॉर्डिंग या लेंथ के अकॉर्डिंग कोई चेंज आता होगा। इसको हम सिंपल कहते हैं द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट कार्बन चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, और चेन आइसोमेरिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ तक जो आएंगे हमारे पास आइसोमेरिज्म की जितनी भी टाइप्स हैं उनकी सेम ही डेफिनेशन होगी। द कंपाउंड्स मतलब टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट चेंज कहाँ पे आता है, कार्बन चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ। कि जो हमारे पास कार्बन चेन होगी उसकी लेंथ में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, जिस बेस पे से हम क्या नाम दे रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म का नाम दे रहे हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल हम मेंशन करते हैं पेंटेन की। पेंटेन क्या होता है, जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और 5 कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होती है, 12 है। अब अगर मैं इसके 3 स्ट्रक्चर मेंशन करूं, अगर तो कार्बन एटम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, मतलब अब इसके साथ अंडरस्टूड है कि बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से, तो अगर स्ट्रेट चेन है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एन पेंटेन का नाम देते हैं। अगर स्ट्रेट चेन के अलावा कार्बन एक ब्रांच बना देता है, जैसे जस्ट सपोज 4 कार्बन एटम जो है ये स्ट्रेट चेन में अटैच हैं और यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, कार्बन मतलब एक ब्रांच बना देते हैं, टोटल क्या है 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी रहेगी, 12 ही रहेगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ आइसो पेंटेन। आइसो किसको मेंशन करता है, आइसो मेंशन करता है ब्रांच को। और तीसरी और लास्ट टाइप जो है वो इसकी क्या है, कि अगर सेंटर में एक कार्बन एटम है और बाकी 4 कार्बन एटम जो है वो ब्रांच की फॉर्म में अटैच हैं, तो इसको नाम दिया जाता है नियोपेंटेन। तो मींस 5 कार्बन एटम के हमारे पास 3 आइसोमर आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ अ एन पेंटेन, सेकेंड वन इज़ अ आइसोपेंटेन, एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज अ नियोपेंटेन। अब जो हमारे बात करते हैं पोजीशन, ये हमारे पास होगी चेन आइसोमेरिज्म की टाइप्स। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी सेम है, दैट इन विच टू, जैसे पहले बताया कि आपको यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो सबकी सेम ही आएगी, द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन इज डिफरेंट। चेंज कहाँ पे आना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आना है, जिस बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जस्ट सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रोपेन की, ठीक है, प्रोपेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, टोटल 3 कार्बन एटम होते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, बाकी इसकी जो वैलेंसी है वो किससे पूरी होगी, CH3 CH2 और यहाँ पे भी क्या है, CH2। अब फर्स्ट कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, अब फर्स्ट कार्बन के साथ अगर मैं क्लोरीन लगा देती हूँ तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ 1-क्लोरोप्रोपेन, कि हमने फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन लगा दिया है। अब क्लोरीन किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। और इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दें, इसी का एक दूसरा आइसोमर भी पॉसिबल है, यहाँ पे हमने लिखा H3C, अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, तीनों हाइड्रोजन को इकट्ठा करके मैंने लिख दिया H3C, सेंटर में हमारे पास एक कार्बन है और इस साइड पे भी मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं CH3। अब यहाँ पे CH और सेकेंड कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस, मतलब पहले सेकेंड पे हाइड्रोजन थी और फर्स्ट पे क्लोरीन थी, अब ये वाली हाइड्रोजन जो है इसको क्लोरीन से रिप्लेस किया है, तो मीन 1 2 3,
अब सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ टू क्लोरोप्रोपेन। अब देखा जाए तो हमारे पास दो आइसोमर बन रहे हैं, और दो आइसोमर क्या है कि एक ही कंपाउंड है लेकिन उसकी दो टाइप्स आ रही हैं। हमारे पास दो आइसोमर्स आ रहे हैं, किस बेस पे आ रहे हैं, जब हमने जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट को चेंज किया है। तो आइसोमर्स होता है ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर में क्या आता जाए, चेंज आता जाए, तो ये टाइप हमारे पास क्या कहलाएगी, पोजिशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन जो हमारे पास थर्ड टाइप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसकी डेफिनेशन भी यही है, द फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। एफ जी किसको मैंशन करे, फंक्शनल ग्रुप को, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे इसकी एक सिंपलेस्ट सी एग्जाम्पल है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O, ठीक है जी। अब C2H6O है, दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं। एक तो इस तरह से CH3OCH3 के सेंटर में हमने ऑक्सीजन मेंशन किया, दो कार्बन है, एक दो दो कार्बन आ गए, टोटल सिक्स हाइड्रोजन है, थ्री ये और थ्री ये सिक्स हाइड्रोजन आ गए, तो इस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं, दो मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम नाम देंगे डाइमिथाइल ईथर। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स की तादाद सेम ही रहेगी, अब इसका एक दूसरी अरेंजमेंट देखें तो CH3CH2OH देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स हाइड्रोजन है, टू कार्बन है और वन ऑक्सीजन है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों आइसोमर्स में, दोनों टाइप्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप किसके, ईथर का। तो मींस कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या होता जा रहा है, डिफरेंट। अब हमारे पास जो फोर्थ वन टाइप है, डेफिनेशन सेम ही है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि एटम्स की जो अनइक्वल सी तकसीम हो रही है ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड्स। मेटा का बेसिकली मतलब क्या होता है, मेटा का अगर हम लिटरी मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे पास बियॉन्ड, मतलब उसकी साइड पे, या हम बात करते हैं इसका मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, कि मींस कार्बन एटम की दोनों साइड्स पे, या किसी, बल्कि ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, सेंटर में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मींस एक साइड पे कम कार्बन एटम होंगे तो एक साइड पे ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, और एक कंडीशन कि ये सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे होंगे। मीन अगर हम अल्केन्स की बात करेंगे तो अल्केन्स ही होंगे, अगर हम अल्कीन्स की बात करेंगे तो अल्कीन्स ही होंगे, इनमें होमोलोगस सीरीज चेंज नहीं होगी। जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर मैं बात करती हूँ ईथर की, हमारे पास एक फार्मूला आ रहा है OCH2CH3, यहाँ पे भी हमने लिखा CH2CH3, देखा जाए ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, और सेंटर वाला लिंकेज किसको शो कर रहा है, ईथर को, तो इसको हम नाम क्या देंगे, डाई इथाइल ईथर। अब इसकी अरेंजमेंट में किस तरह से चेंज हो सकता है, इसकी अरेंजमेंट में इस तरह से चेंज हो सकता है कि हम क्या करें, इसी का अगर हम सेकेंड आइसोमर बनाते हैं तो वो कुछ यूं होगा कि ये आ गया सेंटर में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ईथर, पहले दोनों साइड पे दो दो कार्बन एटम थे, अब एक साइड पे आ गया HCC और एक साइड पे हमारे पास तीन कार्बन एटम आ चुके हैं। तीन कार्बन एटम है तो ये प्रोपाइल को शो करेगा, और जब प्रोपाइल स्ट्रेट चेन में होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, एन प्रोपाइल का नाम देंगे, और एक साइड पे HCC है तो इसको हम सिंपल क्या नाम देते हैं, मिथाइल का नाम देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एन प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप किसके है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ईथर का, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो देखा जाए ये आइसोमर्स किस वजह से बन रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये वाला था ईथर का, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यहाँ पे दोनों साइड पे दो दो कार्बन एटम है, यहाँ पे एक साइड पे तीन कार्बन एटम और एक साइड पे एक कार्बन एटम है, जिस वजह से इनके आइसोमर अराइज हो रहे हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम क्या नाम देते हैं, मेटामेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो हमारे पास लास्ट टाइप है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ टाटोमेरिज्म, और टाटो का लिटरली मीनिंग क्या होता है, डायनामिक, के मतलब एक ही स्ट्रक्चर में क्या आता जाए, चेंज आता जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक का नाम देते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन, के हमारे पास एक कंपाउंड सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूल सेम होगा लेकिन उसमें प्रोटॉन शिफ्ट करेगा, प्रोटॉन किसको कहते हैं, एच पॉजिटिव को नाम दिया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल सेम ही होगा लेकिन जस्ट उसमें प्रोटॉन जो होगा वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करता जाएगा। इसकी जो बहुत वेल नाउन एग्जाम्पल है,
ठीक है जी, ये मोस्टली जो देखी जाती है वो किस में देखी जाती है, इट इज मोस्टली सीन इन द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हमें इसकी एग्जाम्पल बहुत ईजीली देखी जाती है, ये जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल इसकी देते हैं, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन होता है एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन, दैट वन द अमाइनो एसिड। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब प्रोटॉन शिफ्टिंग क्या होगी, प्रोटॉन शिफ्टिंग इस तरह से होगी जैसे जस्ट लाइक ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। और एसिड हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जिसमें एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू लोज प्रोटॉन। अब वो एसिड जो अपना प्रोटॉन इजीली लोज कर देता है, प्रोटॉन मीन एच पॉजिटिव, हम इस एच पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अगर एसिड अपना प्रोटॉन इजीली लोज कर देता है तो वो स्ट्रांग एसिड है, और अगर एसिड अपना, और इसी तरह से जो अमाइनो एसिड है इसमें ये जो प्रोटॉन होगा ये शिफ्ट किस पे करेगा, NH2 की तरफ शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा RC, यहाँ पे COO-, और ये जो एच पॉजिटिव है ये शिफ्ट कर जाएगा NH2, मतलब एक हमारे पास एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाला जो एच है इसको हम क्या नाम देंगे एच पॉजिटिव, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3+, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये दोनों कंपाउंड जो है दीज आर कॉल्ड एज अ टाटोमर्स ऑफ ईच अदर। और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास एसिड का प्रोटॉन था ये शिफ्ट कर रहा है अमाइनो ग्रुप की तरफ, यहाँ से एसिड ने अपना प्रोटॉन लॉस किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन ने अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है NH3+ आ रहा है। और जब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ टाइम पाए जाते हों तो ऐसे आयंस को हम नाम देते हैं ज्वीटर आयंस का। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम होता है इंटरनल साल्ट, जो कि आप चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करेंगे ब्रीफली अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की जो 5 टाइप्स थी वो कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।